नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनय दुबे आपको और आपके पूरे परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, पिछले दो वर्ष जिस तरह से हमारा देश कोरोना जैसे हालात से गुजर रहा है, उम्मीद करते हैं कि 2022 इस बार कुछ वैसा ना हो जैसे हमारा देश एक बार पुनः लॉकडाउन की ओर अग्रसर हो। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा, दूर जितनी दूर तुम देख सकते हो एक बात हमेशा याद रखना कि मंजिलें उसके आगे भी होती है। तो दोस्तों, जिस तरह से 2019, 20 और 21 कोरोना जैसे हालात से हमारा देश लड़ रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, खासकर छात्रों को लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर हुआ है लॉकडाउन का, क्योंकि लॉकडाउन जैसे ही लगता है तो सबसे ज़्यादा मार विद्यार्थी जीवन पे होता है, क्योंकि सबसे पहले स्कूल और क्लासेस बंद हो जाती है, तो जिसके कारण सभी बच्चों का पढ़ाई रुक जाती है। तो एक बार पुनः आपको और आपके परिवार को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि इस वर्ष कुछ वैसा ना हो जिससे आपका स्कूल कॉलेज फिर से बंद हो जाए। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा, एक उम्र वो थी जो जादू पे भी यकीन था, और एक उम्र ये है जो हकीकत पे भी शक है। तो अब मैं टीके सर से अनुरोध करूंगा कि वो आप लोगों के बीच दो शब्द रखें। थैंक यू सर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्त, सबसे पहले आप सभी को, आपको और आपके परिवार को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्त, हमने पिछले साल बहुत से स्ट्रगल किया है इस लॉकडाउन के पीरियड में, लेकिन अब दोस्त ये नया साल जो है कुछ कर गुजरने का साल आया हमारे पास। एक नया ऑप्शन खुल गया है दोस्त कि जो हमने पिछले साल नहीं कर पाए, जिस चीज़ की वजह से हम पछताते रहे पिछले साल कि हम ये नहीं कर पाए वो नहीं कर पाए, ये साल है दोस्त कुछ अच्छा करना है। दोस्त लाइक हमने जो कुछ नहीं किया इस साल करना है। ये दोस्त ये जो साल है आपका, ये हैप्पीनेस और सक्सेस का ईयर है। तो कहते हैं दोस्त, लौट आया हूँ फिर से मैदान में, अंदाज वही है, सिर्फ तरीका बदल गया है। और कहना चाहेंगे दोस्त कि देखो दोस्त, जिंदगी में हर एक पल आता रहता है, हर एक दिन नया होता है हमारे लिए, लेकिन दोस्त जो नया साल आता है ना दोस्त, ये कहता है कि आपने जो एक साल गलती करा पिछले साल, आपने अभी तक जिंदगी में जो भी गलतियां की उसको भूलकर एक नई जिंदगी स्टार्ट करने का दिन है दोस्त। ऐसे तो हमारे हिंदुस्तान में सब नहीं मानते दोस्त, लेकिन फिर भी हमारे लिए एक नया अपॉर्चुनिटी की तरह है ये भी कि नया साल हम एकदम सक्सेस का ये बना दें इसको दोस्त। और कहते हैं समंदर ना सही नदी तो चाहिए, तेरे शहर में जिंदगी कहीं तो चाहिए। और इसी के साथ दोस्त, हम अब चाहेंगे कुछ सुन सर आपके लिए कुछ दो शब्द बोलें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू कुमार है, और सबसे पहले मैं आपके और आपके सारे परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो जिस तरह से हमारा जो देश है वो दो साल, हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो माइग्रेंट वर्कर और स्टूडेंट के लिए वो काफ़ी डार्क साइड में जा रहा है, हमारा जो कंट्री है और हमारे जो स्टूडेंट है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो फ्यूचर है वो हमारे हाथों में है। तो अगर हम पिछले दो सालों से जो हम कुछ सीखे हैं वो अगर इस साल में हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो देश का फ्यूचर है और GDP जो हमारी लगातार गिर रही है उसको हम उठा सकते हैं। और ये जो नया साल हमारे लिए आ रहा है, मैं सबसे आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि हमारा एक जो नई वेरिएंट है कोरोना वायरस की वो दस्तक दे चुकी है, तो सभी से नम्र निवेदन है कि आप अपने प्रिकॉशन को हमेशा साथ रखें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें और अपने साथ सैनिटाइजर जरूर रखें। तो स्टूडेंट के लिए 2 लाइन कहना चाहूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो स्टूडेंट के लिए ये जो अगला साल है वो हम होप कर सकते हैं कि ये जो काफ़ी ब्राइट होने वाला है, जिस तरह से 2021 कोविड के कारण स्टूडेंट और माइग्रेंट वर्कर के लिए इनका जो लाइफ था वो काफ़ी डार्क साइड पे जा रहा था, स्टूडेंट जो है अपने टारगेट को अचीव करें इस साल, और इस साल को आप अपने अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं। पूरे जोश और होश के साथ इस साल हम मेहनत करें, एक दिन हमें सक्सेस जरूर मिलेगी। इसी के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि चलता रहूँगा पथ पर या तो चलने में माहिर बन जाऊँगा, चलता रहूँगा पथ पर या चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिलेगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर। तो एक बार पुनः आपको और आपके पूरे परिवार को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।